सो यहाँ पे गुनगुन मुनमुन मिट्टी क्लीन कर रही है। कितना बच्चा बेटा? इतना बच्चा मेरा। वाह, दोनों ने मिलके मिट्टी क्लीन कर ली। और अब हम क्या बनाएंगे इसका? मेथी के पराठे बनाएंगे। कौन कौन खाने वाला है? मैं। पता है मेथी का पराठा बनाने में सबसे टफ काम क्या है? क्या बताओ, सोचो क्या होगा? बेलना? नहीं तो एक छीलना। हाँ। उसको काटना जो तुम दोनों ने कर दिया। सबसे कठिन काम यही है, ये सबसे कठिन काम है जो इन दोनों ने किया है। अब हम इसको वॉश करेंगे। और पता है मेथी बहुत पौष्टिक चीज़ होती है, हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होती है मेथी। मुझे मेथी की सब्जी नहीं पसंद, लेकिन पराठे बहुत पसंद है। और तुमको? मुझे सब कुछ पसंद है। सब कुछ पसंद, ये बात सच है। गुनगुन सब कुछ खाती, कोई भी सब्जी हो कुछ भी दे दो, ये लड़की कुछ भी मना नहीं करती, सब कुछ खा लेती है। छुटकी का थोड़ा सा रहता है, थोड़ा सा इसका रहता है। हाँ मुन्ना, कद्दू का सब्जी खाएगी? नहीं। चलो ठीक है, अब आगे का प्रोसेस करते हैं। बहुत मिट्टी होती है तो हमने ना इसको 2-3 बार साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मिट्टी होती है। तो मैं अभी जा रही हूँ इसको अच्छे से खुले पानी में, पूरे हाथ गंदे हो गए थे, इसको खुले पानी में धोने जा रही हूँ मैं अभी। और यहाँ पर खुले पानी में मैंने मेथी को अच्छे से वॉश कर लिया, 3-4 पानी से पूरा मिट्टी मेथी का निकल गया। मैंने मेथी धो ली है और इसको हम एकदम बारीक बारीक काटेंगे, एकदम छोटा छोटा इसको कट करके लेंगे। बहुत लोगों को आती भी होगी मेथी के पराठे, बट ऐसे भी लोग होते जिन्हें नहीं आते, शायद होंगे, शायद किसी का हेल्प हो जाए, इसलिए मैंने सोची कि मैंने ये रेसिपी बना लेती हूँ। देखो इतना छोटा छोटा मैंने इसको काट लिया है, ये देखो ऐसे इतना छोटा छोटा मैंने काट लिया इसको। आप और भी काट सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत डंटा मुझे चलता है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको और भी बारीक कर सकते हो कि जिससे एक भी डंटी ना रहे। अब पता है मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि बच्चों का ट्यूशन है, ट्यूशन जाने से पहले उनको देना है। मैंने ये बना के खा के जाएंगे वो लोग। थैंक गॉड आज क्लास नहीं है, ये तो मुझे क्लास का भी चक्कर लगाना पड़ता। पता है मेथी के पराठे ना हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। मेथी ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत सस्ती, मतलब सीज़न में बहुत सस्ती मिल जाती है, आप इजीली उसको कहीं पर भी आपको मिल जाएगी, कोई भी सब्ज़ी के स्टोर में। और ये सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी होती है, ख़ास तौर पे जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। पता है मेथी का साग भी बनाते हैं जिनको डायबिटीज़ है उनके लिए, सिर्फ तेल का फ़ौरन, हरी मिर्ची और थोड़ा सा 1-2 लहसुन, हल्का सा नमक, बस इतना मिला के मेथी का साग बनाते हैं। हालांकि बच्चे तो नहीं खा पाएंगे, लेकिन हाँ जिनको शुगर है जैसे कि मैंने बताया, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अगर आपके घर में किसी को है, सास ससुर माता पिता, तो आप डेफिनेटली उनको रोज़ एक बार मेथी का साग दो, खाने में उनका बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि मेरे इन लॉज खाते हैं, मेरे सास भी खाती है और ससुर भी खाते हैं, क्योंकि दोनों को डायबिटीज़ है, तो उनको रोज़ मैं देती हूँ। देखो अभी इतना मेथी में मेरा तो काम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो इतना मेथी को मैं रख देती हूँ साइड में, एक्स्ट्रा हो रहा है। ये देखो मैंने काट लिया, अब मैं इसमें डालूँगी सारे मसाले, आटा, सब कुछ मिक्स करूँ। और मैंने इसमें गेहूं का आटा मिला लिया है, इसमें आप थोड़ा सा बेसन भी डाल सकते हो, सूजी भी मिला सकते हो। अभी नहीं है मेरे पास सूजी तो मैं नहीं मिला रही हूँ, लेकिन आपको चाहिए तो आप इसमें मिला सकते हो। अब हमने इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची ले ली है, इसका हम पेस्ट बनाएंगे इस आटे में डालने के लिए। जल्दी जल्दी मैं पेस्ट बना लेती हूँ, पहले एकदम बारीक नहीं हुआ तभी भी चलेगा, थोड़ा सा कड़ा भी चलता है इसमें। अब हम इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर 2 चम्मच में डाल लो, आप अपने अंदाजे से डाल सकते हो। हल्दी, थोड़ी सी और हल्दी, थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर भी मिला रही हूँ इसमें।
मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी डाली हुई है पीस कर, फिर तीखा हो जाएगा तो बच्चे लोग खाएंगे नहीं, इसलिए मैं इसमें हरी। अब हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, आपको जितना भी डालना है। नमक डालने के बाद, नमक मैंने डाल दिया, मसाले डाल दिए और ये एक नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ। कुछ लोग दही भी डालते, मैंने नींबू डाला है, आप दही भी डाल सकते हो इसमें और चीनी भी मिला सकते हैं। मैं अभी नहीं डाल रही हूँ चीनी, लेकिन अगर आप चाहो तो मिला सकते हो, चीनी के साथ भी अच्छी लगती है। तेल डाल दिया मैंने आटे में, चार चम्मच करीब करीब 4 चम्मच तक का मैंने तेल डाला है। अब इस आटे को हम गूंथेंगे, इसको मिक्स करेंगे पूरा अच्छे से। सब कुछ मिक्स कर दिया है मैंने आटे में, आटे को सिर्फ अब गूंथना बाकी है। मैं थोड़ा कैमरा ठीक कर लेती हूँ। हाँ, अब मैं दिख रही हूँ। इसको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा लगता है मेथी का पराठा, मेरी मम्मी बहुत बनाती थी मेथी के पराठे, मम्मी को बहुत पसंद आते थे, मेरे पापा को भी बहुत पसंद थे मेथी के पराठे। मेरे पापा पता है मेथी के पराठे और चाय, चाय के साथ मेथी के पराठे खाते थे। एक ही हाथ से मैं आटा गूंथती हूँ, लेकिन अभी इसको सिर्फ मिक्स करने के लिए 2 हाथ यूज़ कर रही हूँ, वरना मैं एक ही हाथे से आटा गूंथती हूँ, क्योंकि सिर्फ 5-6 मिनट बाकी है ट्यूशन के लिए। 5 मिनट के अंदर मुझे पराठा बना के देना है बच्चों को। मिक्स हो गया है, अब इसको गूंथेंगे हम। ज़्यादा पानी नहीं पड़ेगा क्योंकि मेथी खुद पानी छोड़ता है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा नहीं डालूँगी। कद्दू का जो पराठा बनता है ना, कद्दू का, उसमें तो बिल्कुल भी पानी नहीं डालना रहता, क्योंकि कद्दू तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, गीला हो जाता है। इसमें तो हम डाल भी सकते हैं, पता है इसमें बहुत लोग तिल डालते, तिल जो संक्रांति में जिसका लड्डू बनाते वो भी डालते, पर मेरे पास नहीं था तो नहीं डाला। टिंकू को बहुत अच्छे लगते पराठे। चलिए 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 कर लो। पता है मुझे आटा गूंदना अच्छा नहीं लगता, मुझे बोर होता है आटा गूंदने में। मेरे पास मशीन है आटा गूंदने वाली, मैं उसी में आटा गूंदती हूँ, लेकिन आज आपको दिखाना था ना आटा गूंदते हो, इसलिए इसमें गूंद रही हूँ, वरना मैं मशीन में ही गूंदती हूँ आटा, मुझे नहीं अच्छा लगता। ऐसे ऐसे लग जाता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता। देखो मैं फिर भी कर रही हूँ। तो आई होप अच्छा बने पराठे, मेरे बच्चों को पसंद आए। धूप आई है अभी, देखो बारिश नहीं है, धूप आई है। कपड़े डालने जाऊंगी ना छत पे, फिर बारिश आ जाएगी, फिर दौड़ो और कपड़े निकालो, यही ड्यूटी दिन भर की लगी रहती मेरी तो। मैं ना खाना बनाने में उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा बहुत स्टाइल स्टाइल का खाना बनाने आता है, ऐसी बात नहीं है। रेगुलर फूड में बना लेती हूँ जो रेगुलर में यूज़ होता है, बट ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत अच्छा आता है खाना और मैं कुकिंग एक्सपर्ट हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करती हूँ। हाँ, मेरी सासू माँ को आता है अच्छा अच्छा खाना बनाने, मेरी मम्मी को आता है, बट मुझे नहीं आता उतना अच्छा अच्छा खाना बनाना, फिर भी करते हैं हम स्टिल। मेरे बच्चों को अच्छा लगता है, बस मैं जो बनाती हूँ ना वो मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, और क्या चाहिए, है ना। और आपके जीजू को अच्छा लगता है। इसके आगे तो कुछ नहीं चाहिए। देखो मैंने आटा ना अभी गूंद लिया है, देखो रेडी हो गया आटा। इसमें मैं थोड़ा सा और तेल मिलाऊंगी, एक चम्मच तेल मिला लिया मैंने इसको ना। हमने ना बहुत कड़क नहीं और ऐसे रोटी जैसा भी नहीं, पराठे जैसा आटा मलना है इसका। ऐसे नरम कर दोगे ना तो आटा लगाना पड़ेगा, फिर आटा लगाने से स्वाद खराब हो जाता। देखो
रेडी हो गया। अब मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखो ये आटा रेडी हो गया मेरा, आटा उंगली में लग गया। यही मुझे गुस्सा आता जो उंगली में लगता है ना आटा, फिर भी मैंने रेडी कर लिया आटा। और देखने में बहुत सॉफ्ट लग, देखो कितना सॉफ्ट है आटा, ना कड़क है ना नरम, इस तरह का आटा तैयार कर दिया। अब मैं इसको बेलूँगी और पराठे बना के आपको दिखाती हूँ। सो मैंने ये पराठा बेल दिया है, पराठा मेरा बेल के रेडी हो गया है। अब हम इसको सेकेंगे, थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ मैं ताकि गर्म हो जाए अच्छे से। अब पराठा मेरा चिपके नहीं, इस पर खिड़की से हवा आ रही है बहुत ज़्यादा। अब ये तवा गर्म हो चुका है और मैं अपना पराठा निकाल के इस पर डाल रही हूँ। बहुत मुश्किल होता है यार, एक हाथ से कैमरा पकड़ो और फिर एक हाथ से पराठे भी बनाओ, बहुत डिफिकल्ट है यार। देखो अब मैं बताती हूँ मेरा पराठा कैसा बनेगा। एक हाथ से कैसे लुइया बनाऊँ मैं, अब बताओ। एक हाथ से कैसे बेलूँ। अरे कोई आ जाओ रे बेलने के लिए। ऐसे ऐसे बेलो क्या। अरे पराठा जल जाएगा। नहीं नहीं जलने देंगे हम, उसको सेकने वाला निकालते, मैं इससे उसको पकाऊंगी। प्लेट भी निकालना होगा, प्लेट। ऐसी जिंदगी होगी हर घर हर तरफ, खरप नहीं तरफ। इसमें तेल डालेंगे। नहीं बेटा खा के जाओ, बन गया पराठा देखो। हाँ चलो अब ट्यूशन जाना, तो जाओ ना खा के जाओ ना भाई। बाल भी बनाने हैं। हाँ बना देंगे हम आपके बाल। ओ पंखा चला दो तो। हाँ वही चला दो। इतना पराठा भाई, इतना छोटा पराठा। ये छोटी बच्ची के लिए है ना, इसलिए छोटा पराठा बस एक ही चाहिए। अब ये रेडी हो चुका है पराठा मेरा, ये देखो ये कितना अच्छा सुंदर सा कलर आया है इसमें। इसमें निकालेंगे। एक पराठा बन चुका है, एक और मैंने यहाँ पे डाला है ताकि दो पराठे में दिखा पाऊँ। हाँ दही निकाल दें, गैस को थोड़ा स्लो कर देंगे, तेज पे तुरंत जल जाता है। और स्लो कर देंगे क्योंकि जल रहा है, जल जाएगा ना तो स्वाद नहीं मिलेगा इसका। जैम भी था देखो, उसमें जैम था। देखो इस तरह से चारों कोनों से हमने इसको पकाना ताकि कच्चा ना रहे, अगर कच्चा रहा तो बच्चों को नुकसान कर सकता है। ये हो गया, अब मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। और एक और पराठा मैंने बेल के रखा है, ये दही। दही को डाल दिया है और ये पराठा एंड दही। बटर लगा दो इस पे, नहीं, नहीं, नहीं। घी लगा दो, घी कुछ मत लगा, जैम चाहिए। खोलो जैम, चाकू से काट दे दीदी। लो खाना खा लो। तो ये लो, ये तुम ले लो दीदी, तुम तो दो इधर। किसी को जैम नहीं चाहिए, किसी को दही नहीं चाहिए। ले मुन्ना ये तुम ले लो, दीदी को दूसरा देती हूँ। हाँ वो खा लो, ये यम्मी यम्मी पराठे। लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ। अब मुनमुन खा के बताएगी कैसा लग रहा है। कैसा लगा मुनमुन? यम्मी यम्मी पराठा। यम्मी यम्मी मैं यम्मी।
अब हमें गुनगुन खा के बताएगी कि कैसा लग रहा है। शायद एक और खा चुकी पहले। कैसा लगा बेटी? गरम है। खाने में कैसा है? मस्त है। चलो खा लो, जाओ ट्यूशन जाओ, बाल बना दे। अब टिंकू पराठा खा रहा है। टिंकू बेटा खुद से नहीं खाता है, मम्मा खिलाती है। कैसा बना बेटा पराठा? अच्छा है। बहुत अच्छा है कि थोड़ा सा अच्छा है? बहुत अच्छा है। गुन 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 जाना पराठा खा ले, बना के रखा है। जाना बाबू ट्यूशन से, अभी आई जा। हाँ तो क्या हुआ बेटा, खाना ना बाबू खा ले जा। देख कैसी दुबली दुबली हो गई, जा जा ना बाबू, बना के रखा है मैंने। अरे मुझे खाना नहीं खाना, अब खा के गए ना हम। हम सुबह ऑलरेडी खा चुके हैं, अब रात को खाने वाले हैं। ना बेटा दो दो तो खाया ना हमने। सुनो ना मेरी बात, बहुत छोटा छोटा पूरी जैसा इतना इतना सा बना है। गुनगुन इधर लाइन में आ, मैंने मुझे कुछ बात करी तुम दोनों से, बस सुनो। अब हिलो मत, हिलो मत। लाइन हैंडलॉक अच्छा बताओ, अब बताओ तुम लोग पराठा खाओगे कि नहीं खाओगे? नहीं खाओगे? नहीं। पक्का प्रॉमिस? हाँ सोच लो। हटो दीदी नहीं दिख रही, हटो ना। अच्छा आप मेरी लास्ट बात एक सुन लो, ठीक है? तुम दोनों में से जो मम्मा की राजकुमारी होगी वो पराठा खाएगी। कौन है मम्मा की राजकुमारी? कौन है? अरे इधर उजाला आ रहा है, इधर से बोलो। हाँ उधर लाइट आ रही थी बहुत। देखो मैंने फर्स्ट बाइट ले ली है ना, तो मैं राजकुमारी। अच्छा सुनो, नहीं 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 सुनो, वेट वेट वेट, तुमने अभी बाइट नहीं ली, स्टिल स्टिल बाकी। हाँ देखिए मम्मा, आपने बताया नहीं थी कितने पराठे खाने हैं। तुम छोटी राजकुमारी, ये बड़ी राजकुमारी। चलो तुम छोटी राजकुमारी, छोटी राजकुमारी। बदमाश, छोटी राजकुमारी। मजा आया? हाँ। मजा आया पराठे पराठे का व्लॉग में आज? मजा आया? हाँ, चलो सबको बोलो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर। घंटी बजा दो, घंटी बजा दो।